Let's start with BCD adder. अभी आपने लास्ट टाइम जो पढ़ा था वो था कि आपने टू नंबर्स थे उनके लिए आपने फोर बिट पैरेलल एडर डिजाइन किया था, उसी से कैरी लुकअहेड एडर भी डिजाइन किया था. लेकिन बेसिकली वो करता यही था कि आपके पास अगर टू नंबर्स हैं फोर फोर बिट्स के तो वो उनको ऐड करता था, ऐसे ही था. तो अब अगर हम BCD एडर डिजाइन कर रहे हैं तो बेसिकली BCD नंबर, एक BCD नंबर में कितने बिट्स होती हैं बता सकता है? How many bits? मैम 4 bits होती हैं. हाँ जी, एक BCD नंबर में 4 bits होती हैं, ठीक है? तो अगर आप BCD adder है तो उसमें आप वही 4 bit parallel adder यूज कर सकते हैं ना? Yes ma'am. या carry look ahead adder जो आपने बनाया था, जो कि fast था, हमने डिजाइन किया था उसकी जो है ना, उसकी ये थी ability के वो फास्टर आपके पास रिजल्ट देता था, ठीक है? उसकी स्विचिंग स्पीड जो है वो फास्टर थी. अब बीसीडी एडर अगर है तो उसमें बेसिकली टू बीसीडी नंबर्स को अगर आप ऐड कर रहे हैं तो दोनों में फोर फोर बिट्स होंगे, ठीक है? लेकिन जो प्रॉब्लम है उसमें बीसीडी एडिशन में वो ये है कि जब पहले तो मुझे ये बताएं कि मैक्सिमम जो है, अगर आप दो बीसीडी नंबर्स हैं फोर फोर बिट्स के, तो मैक्सिमम आपके पास कितना रिजल्ट आएगा? अप टू 10 से ग्रेटर होगा क्या वैल्यू आ सकती है लार्जेस्ट? लेकिन बीसीडी नंबर्स 9 तक आ सकती है, ठीक है? 9 तो नंबर्स है ना, 9 तक तो आपका एक बीसीडी नंबर है ना. दूसरा बीसीडी नंबर जो के 9 तक हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है? तो अगर दोनों को 9 प्लस 9 क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा, वो 18 हो जाएगा ना, ठीक है? 18 तो दो बीसीडी नंबर्स को ऐड करने से आएगा. लेकिन सपोज आपने एक ऐसी एप्लीकेशन है कि जिसमें आपने बीसीडी एडर जो है ना वो कैस्केड में कनेक्ट किया हुआ, यानी एक को दूसरे से कनेक्ट किया हुआ, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि पिछला जो बीसीडी एडर है उससे आपके पास जो रिजल्ट आ रहा, यानी कैरी आउटपुट आ रही हो, वो 1 हो, ठीक है ना? उसकी कैरी को आपने अगले की इनपुट से कनेक्ट किया हुआ. तो बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, कैरी इन ए नॉट और बी नॉट को ऐड कर रहे होते हैं ना, ऐसे ही है ना? तो अगर कैरी इन भी, कैरी इन ए और बी को अगर आप ऐड करें, ए और बी अगर सपोज है और कैरी इन अगर 1 है, तो मैक्सिमम जो आपका सम है वो कितना हो जाएगा? 19. आपको एक अर्सर नजर आ रहा होगा. हाँ जी, आ रहा है नजर? यस मैम, आ रहा है. अच्छा, जरा मैं स्लाइड शो कर देती हूँ के उसमें मैं पेन भी ऐड कर सकूं. ओके, यहाँ पे देखिए, ये आपके पास जो है 9 + 9 + 1 = 19 भी, मतलब कि मैक्सिमम जो आपका सम है वो कितना हो सकता है? 19, ठीक है? लेकिन अगर 19 है तो उसके लिए आप ये याद रखें कि 1 के लिए भी बीसीडी कोड होना चाहिए आउटपुट पे और 9 के लिए भी होना चाहिए. मतलब 1 के लिए क्या होगा? 0001, ऐसे ही है ना, ठीक है? और 9 के लिए क्या होगा? क्या चले, 1 के लिए 1 होगा, 9 के लिए क्या होगा? 1001, ऐसे ही है ना, ऐसे होना चाहिए. लेकिन अगर 19 जो है वो बाइनरी में है, तो बाइनरी में 19 किसके इक्वल होता है, कोई बताएगा? व्हाट इज 19 इक्वल इन बाइनरी? इट इज इक्वल टू 10011, ठीक है? तो फर्क है कि 10011 जो है वो बाइनरी में है और 1 और 1001 जो है वो बीसीडी में है. दोनों में डिफरेंस है. तो हमने किस पे आंसर हमने जो है वो हमने आउटपुट किस फॉर्म में देनी है? बीसीडी के फॉर्म में देनी है, क्योंकि ये बीसीडी एडर है. बेसिकली बीसीडी नंबर्स को ऐड कर रहा है तो आउटपुट भी ये बीसीडी में दे. तो अब अगर हम उसी सेम जो है, पहले आप ये देखें, ये ट्रूथ टेबल देखें कि आपके पास जो है, सपोज हमने टू बीसीडी नंबर्स को ऐड किया तो हमारे पास 0 से लेकर 19 तक सम आएगा, ऐसे ही है? देख रहे हैं सब लोग? आवाज आ रही है आपको? यस मैम, आ रही है. हाँ जी,
तो अगर आपके पास दो बीसीडी नंबर्स ऐड हो रहे हैं तो आपके पास जो है ना जीरो से लेकर 19 तक रिजल्ट आ सकता है पॉसिबल. ये हमने अभी जो है ना वो देख लिया था. ठीक है, अब देखें इसमें इसको हमने ना दो फॉर्म में लिखा है, एक है बाइनरी सम और एक बीसीडी सम. ठीक है, और डेसिमल क्या है हमारे पास जीरो से लेकर 19 जो हमारे पास पॉसिबिलिटी है सम की आउटपुट की. अब ये देखें कि बाइनरी सम तो सिंपल जीरो से लेकर 19 तक जो बाइनरी कन्वर्जन है ना वो हमने लिखी हुई है एज इट इज, ये आप देख सकते हैं. और जो बीसीडी सम है उसमें आप देखें कि बीसीडी सम और बाइनरी सम जीरो से 9 तक तो इक्वल है, ऐसे ही है. उसके बाद 10 से लेकर 19 तक हमने बाइनरी को बीसीडी में कन्वर्ट करना है. तो उस कन्वर्जन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मतलब कि अगर ये आपके पास 10 है ना, 10 क्या होता है बाइनरी में 1010. ठीक है, इसको अगर हम बीसीडी में लिखेंगे तो क्या होगा, 1 के लिए 1 होगा और 0 के लिए 0 का कोड होगा जो कि 0000 है. ठीक है, 1 के लिए हम सिर्फ 1 इसलिए लिख रहे हैं 4 बिट्स की फॉर्म में, इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि पहली सारी बिट्स जो है वो हमें पता है कि वो 0 होंगी, 0001 होगा, इसलिए हमने क्या लिखा है 1 और जो 0 का कोड बनता है वो है 0000. अब इसमें ये देखें कि ये बेसिकली जो हमारे पास 1 आता है ना ये कैरी आउटपुट है और ये जो है ना बीसीडी सम है बाकी. अब ये देखें कि बाइनरी सम को हमने रिप्रेजेंट किया है Z1, Z2, Z4, Z8 और K, ये 5 बिट से हमने इसको रिप्रेजेंट किया. अब K भी इसमें क्या है, कैरी आउटपुट है. जब आप दो नंबर्स को ऐड करते हैं अगर उनकी वैल्यू 9 से सपोज 10 आ जाता है तो ये आपका जो है 10 हो गया और बाकी ये कैरी आउटपुट है. इसी तरह से ये सम हो गया, 4 बिट्स हो गई और ये आपका कैरी आउटपुट है. तो के बेसिकली कैरी आउटपुट है, सही है. अब आप ये देखें हमारे पास के जो बीसीडी सम है उसमें क्या डिफरेंस है कि 9 के बाद अगर आप 9 में 6 ऐड करेंगे तो क्या आता है रिजल्ट, हाँ जी बताएंगे, 15. ठीक है, तो बेसिकली हम यही कह रहे हैं कि हम 9 के बाद से अगर आपका रिजल्ट जो है ना ग्रेटर देन 9 हो जाता है ना, सपोज 1010 है. ठीक है, ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे 6 ऐड कर देंगे. 6 ऐड करेंगे मतलब कि अगर आपका 9 तक तो एज इट इज है दोनों इक्वल है, हमें यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो हम एडर यूज कर रहे हैं उसका रिजल्ट 9 तक सेम रहेगा. लेकिन जैसे ही 9 से ग्रेटर हो गया, सपोज 10 हो गया, 1010 हो गया, तो आप इसमें क्या करेंगे 6 ऐड करेंगे. 6 क्यों हम ऐड कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हम बेसिकली 4 कॉम्बिनेशंस 4 बिट्स होती है ना बीसीडी की, तो उसके 15 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं. ठीक है, तो 15 में से हम 9 यूज करते हैं बाकी 6 अनयूज्ड होती है. तो वो 6 के बाद से उसका लैप्स दूर करने के लिए हम क्या करते हैं 6 ऐड करेंगे. तो जैसे ही 9 से ग्रेटर वैल्यू होगी यानी 1010 आ गया तो हम उसमें 6 ऐड करेंगे. 6 बाइनरी में क्या होता है 0110. अब अगर आप 1010 में 6 ऐड करके देखें अपनी कॉपीज पे बाइनरी में क्या रिजल्ट आता है, यही आएगा 1 और टेट्रा 0 करके देखें आप लोग, यही आता है रिजल्ट. हाँ जी, कह रहे हैं आप लोग, यस मैम. हाँ जी, 1010 में जब आप 0110 ऐड करें तो देखें यही रिजल्ट होता है 1 और टेट्रा 0. इसी तरह से जब आप 11 जो कि बाइनरी सम है 1011 इसमें 6 ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 1001. इस तरह से ये सारी वैल्यूज आएंगे. यस मैम, ऐसे ही आ रहा है. ठीक है ना, तो हमने बेसिकली बेसिकली हमने क्या किया कि 9 तक तो एज इट इज रिजल्ट है, फिर जैसे ही 10 आता है आपके पास 1010 इन बाइनरी में आप 6 ऐड करेंगे तो आपके पास ये बीसीडी सम आ जाएगा. अब इसमें भी देखें ये जो है सारा ये क्या है, कैरी आउटपुट है आपका, और ये 4 जो है ना बिट्स आपकी ये सम की बिट्स है, सम आउटपुट होगी. दैट इज इक्वल, सम को हमने लिखा हुआ है S1 S2 S4 S8, आप इसको S1 S2 S3 S4 भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है कि आपने क्या डिजिट्स और अल्फाबेट्स रखने हैं. ठीक है, तो ये आपकी बुक में क्योंकि इसी तरह से टेबल बना हुआ है इसलिए मैं उसी तरह से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि उसमें उसने जो है ना जो फर्स्ट जो एडर आप यूज करेंगे उसकी जो बिट है Z1 Z2 Z4 Z8 है और के आउटपुट है. अब मैं आपको दिखा देती हूँ पहले नेक्स्ट स्लाइड,
इसमें आप देखें, सपोज ये आपका 4-bit बाइनरी एडर है, ठीक है, इसमें आपने एक बीसीडी इनपुट दी, सेकंड बीसीडी इनपुट दी, ये क्या है, कैरी इनपुट है। अब इसकी 4 आउटपुट्स होंगी, सम सम। अब ये सिंपल बाइनरी एडर है, ठीक है, ये वाला जो है ये आप ध्यान में रखें, ये सिंपल बाइनरी एडर है। इसकी 4 आउटपुट्स कौन सी होंगी, Z1, Z2, Z4, Z4। अब इस केस में हमारे पास बाइनरी सम आ रहा है और साथ में कैरी आउटपुट जो है वो है K, ठीक है। तो ये जो बेसिकली टेबल है ये वाला, ये इसी को शो कर रहा है, ये फर्स्ट जो आपका बाइनरी एडर है, ओके, ठीक है। अब आप ये देखें कि जब हमने इसको बीसीडी एडर में कन्वर्ट करना है तो हमने क्या करना है, कि हमने देखना है कि हमारा क्या इसमें सर्किट में चेंजिंग आ सकती है। आप ये देखें कि बीसीडी सम में जो आपकी कैरी आउटपुट है वो कहाँ पे वन है, ये देख रहे हैं ना, इन पॉइंट्स पे वन है, इन टोटल जो आपकी ऑलमोस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आउटपुट्स के लिए सी की आउटपुट जो है वो वन है, बाकी सबके लिए जीरो है। जब हम सर्किट डिजाइन करते हैं तो हम बेसिकली ये देख रहे होते हैं ना कि किन मेन टर्म्स पे जो है ना इसकी वैल्यू वन है। अब आप ये देखें कि कहाँ कहाँ पे वन है हमारे पास, ये एक तो उन पॉइंट्स पे वन है जहाँ पे के वन है, देख सकते हैं आप नीचे जो 4 बिट्स हैं इनके लिए सी वहां पे वन है जहाँ पे के वन है, ये प्लीज इसको फॉलो कीजिएगा मेरे साथ। अब बाकी जो है वो कहाँ पे वन है, जहाँ पे आपका Z8 भी वन है और आपका Z4 भी वन है, यहाँ तक, ठीक है। तो इसलिए हमने लिखा है के प्लस Z8, Z4, मतलब कि दोनों वन होंगे तब भी आपका C जो है वो वन है, इसलिए एंड ऑफ Z8 और Z4 है, सही है। नेक्स्ट इज ये, जिस माइक अपना म्यूट करें प्लीज सब। नेक्स्ट इज कि आपका C कहाँ पे वन है, बाकी ये दो ऑप्शंस रहेगी, यहाँ पे वन है जहाँ पे आपका Z2 भी वन है और Z8 भी वन है, ठीक है, इसलिए एंड ऑफ Z8 एंड Z2 आ गया। अब ये चीज समझ आई है कि आपका जो C है आपने उन पॉइंट्स पे लेना है ना जहाँ पे उसकी वैल्यू 1 है, तो वो कहाँ पे 1 है, जहाँ पे K1 है और Z8 एंड Z4 इज 1 और Z8 एंड Z2 इज 1, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन जो है ये आपका ये यहाँ से लिखा कि आपने जो है ना ये देखना है कि C आपका 1 कहाँ पे है। ये एक्सप्रेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी से आप जो है बीसीडी सम को बाइनरी सम को कन्वर्ट करेंगे बीसीडी सम। अब ये बेसिकली क्या है, और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, यानी एक और गेट है उसमें और 2 एंड गेट्स हैं, ऐसे ही है। अब नेक्स्ट देखें इसका सर्किट, ये था आपका बाइनरी सम, ठीक है, मैम वहां से Z1, Z2, Z4 और Z8 आया, ठीक है। अब आप जो कैरी आउटपुट आया है उससे आपने ये सी डिफाइन किया, ये बेसिकली क्या है, दिस इज सी, ठीक है, ये जो हमने सी पीछे डिफाइन किया है, सी इज ऑर ऑफ के प्लस Z8, Z4, Z8 एंड Z2, सही है। अब इसमें देखें कि बेसिकली सी के जो ऑर गेट में एक के है, एक एंड ऑफ Z8, Z4 है और एक एंड ऑफ Z8 और Z2, ठीक है, यहाँ से हमारे पास कैरी आउटपुट आ गया। अब जब कैरी आउटपुट आपकी 1 होगी तब ही आपने 6 ऐड करना है, ऐसे ही है ना, कि अगर आपकी कैरी आउटपुट 1 जहाँ पे हो रही है बेसिकली यही 10 से होना स्टार्ट हो रही है ना, तो यहीं पे आपने 6 ऐड करना है ताकि आपकी आउटपुट जो है वो बीसीडी में कन्वर्ट हो जाए। अब जैसे ये 1 होगी तो आपने इस बाइनरी सम में, जो कि बाइनरी सम अगले की इनपुट बन रहा है अगले एडर की, इसमें आपने 6 ऐड, ये 6 कैसे बनेगा, अगर ये 1 हो जाएगा तो ये क्या होगा, ये दो बिट्स जो है फर्स्ट और लास्ट बिट 0 है, तो ये 0110 हो जाएगा। अगर कैरी आउटपुट आपकी 0 है तो ये 0 होगा और आपका वही बाइनरी सम जो है ना आपकी आउटपुट पे आ जाएगा, क्योंकि अगर 0 में आप कुछ भी ऐड करते हैं तो वही सेम रहता है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया है कि जब तक आपकी इन जो आउटपुट है वो 9 तक रहती है, 9 के इक्वल है, तो एज इट इज आपकी आउटपुट आ जाएगी S1, S2, S4, S8 पे, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो कैरी आउटपुट था वो 0 था और इसमें 0 ही ऐड हो रहा है, तो आउटपुट आपकी जो है S जो है वो Z के इक्वल ही रहेगी। लेकिन जैसे ही आपकी कैरी आउटपुट 1 हो जाएगी तो आपकी जो Z में क्या नंबर 0110 दैट इज इक्वल टू 6,
ठीक है, तो हमारे पास जो आउटपुट है वो क्या होगी, एक बिट होगी कैरी सी, वन होगा, और बाकी जो है आपके पास सम बिट्स आ जाएंगे। तो ये बेसिकली हमने क्या डिजाइन किया, ये पूरा जो है दैट इज अ बीसीडी एडर। ठीक है, हमने क्या किया, दो बाइनरी एडर्स को यूज करते हुए एक बीसीडी एडर डिजाइन किया। हाँ जी, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन? अन्य को क्वेश्चन है मैम? हाँ जी, ये एक स्टूडेंट है रोल नंबर 29, इसको ऐड कर दें क्लास में। बेटा अभी मैं ये लेक्चर एक्चुअली रिकॉर्ड कर रही हूँ, फिर मुझे वो स्क्रीन वो करनी पड़ेगी, और इस तरह से ना रिकॉर्डिंग हो रही है आपकी। तो एक्चुअली मैंने पूरी क्लास को ही ऐड किया हुआ, मुझे नहीं समझ आ रही है वो क्यों नहीं ज्वाइन कर सक रहे। मैंने पूरी क्लास को जो है वो ऐड किया हुआ है। आपने तो ऐड किया है, लेकिन इसका जो ईमेल है उसमें एक ये प्रॉब्लम है कि उसमें अंडरग्रेड नहीं है। अच्छा चलें ठीक है, अभी मैं लेक्चर कंप्लीट हो जाए वो फिर रिकॉर्डिंग देख लेंगे, अब कुछ नहीं हो सकता, उसके बाद मैं ऐड करूंगी। ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू। हाँ जी, अच्छा नेक्स्ट इज मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। मैग्नीट्यूड कंपैरेटर का मतलब ये है कि दो नंबर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो आप कंपेयर करें, दो नंबर्स हैं, बाइनरी नंबर्स हैं ए और बी, तो आपने ये बताना है कि दोनों इक्वल हैं, मतलब कि अगर सपोज दो नंबर्स हैं ए एंड बी, तो आपने थ्री रिजल्ट्स आप उसके फॉर्म कर सकते हैं, आइदर ए इज इक्वल टू बी, ए इज ग्रेटर देन बी, और ए इज लेस देन बी, यही पॉसिबल आउटकम्स हो सकती है ना एक मैग्नीट्यूड कंपैरेटर के डिजाइन में। तो बेसिकली हमारे पास जो दोनों नंबर्स हैं ए और बी दैट हैव फोर बिट्स, ठीक है, ए की भी फोर बिट्स हैं फ्रॉम ए नॉट टू ए थ्री, और बी की भी फोर बिट्स हैं फ्रॉम बी नॉट टू बी थ्री, सही है। तो अब अगर इक्वल हैं दोनों नंबर्स ए और बी, तो फर्स्ट कंडीशन जो हमारे पास है इक्वालिटी की, उसमें यह है कि फिर आपके पास ये जो ए नॉट से ए थ्री है, आप ये याद रखिएगा कि ए नॉट इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड ए थ्री इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। तो इस केस में क्या होना चाहिए, ए नॉट मस्ट बी इक्वल टू बी नॉट, ए वन विल बी इक्वल टू बी वन, ए टू विल बी इक्वल टू बी टू, एंड ए थ्री इज इक्वल टू बी थ्री, सही है, तब ये दोनों नंबर इक्वल होंगे अगर इनकी सारी बिट्स जो है वो इक्वल होंगे। तो इक्वालिटी जो है उसकी कंडीशन ये है, इसमें आप याद रखिएगा ये है इसमें कॉम्प्लीमेंट का साइन है, ठीक है, ये बेसिकली क्या शो कर रहा है कि दोनों इक्वल, ये इक्विवेलेंस थ्योरम है। आप मुझे ये बताएं इक्विवेलेंस जो होती है दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स और, ठीक है, एक्स और के केस में हमारी आउटपुट कब वन होती है, जब दोनों बिट्स डिफरेंट होंगी, ऐसे ही है, यानी अगर 01 है या 10 है उस पे आउटपुट आपकी 1 होगी, और एक्स नॉर जो है या इक्विवेलेंस थ्योरम जो है वो उसका ऑपोजिट है एक्स ऑर का। उस केस में ये होता है कि आपकी आउटपुट तब 1 होगी जब आपकी दोनों बिट सेम होंगे, मतलब कि अगर 00 पे भी 1 होगी और 11 पे भी 1 होगी। तो यहाँ पे हम इक्वालिटी को शो करने के लिए इक्विवेलेंस थ्योरम ही यूज करेंगे, मतलब कि एक्स विल बी इक्वल टू 1 when AI and BI are equal, मतलब दोनों अगर 00 हैं तब भी 1 होगा, 00 है तब भी 1 होगा, और 11 है तब भी 1 होगा, सही है। तो XI हमारा 1 तभी होगा if only if the pair of bits in position are equal, if both are zeros or both are ones, ठीक है। तो हम बेसिकली ये XI तो जनरल लिखा हुआ ना कि 0 से 3 तक के लिए, तो मतलब ये है कि हमारे पास x 0 भी 1 होना चाहिए। x 0 क्या होगा, ये होगा x nor होगा a not b not का, x 1 भी 1 होना चाहिए जो x nor होगा a 1 b 1 का, x 2 भी 1 होना चाहिए that will be equal to x nor of a 2 b 2, और x 3 भी 1 होना चाहिए that is x nor of a 3 and b 3, ठीक है, यानी सारी बिट्स अगर इक्वल हैं तब भी आपका जो x है वो 1 के इक्वल होगा। इसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं कि इन चारों का एंड होगा, a इज इक्वल टू b इज एंड कॉम्बिनेशन ऑफ x नॉट x1 x2 एंड x3। तो x नॉट बेसिकली क्या है, x नॉट ऑफ a नॉट b नॉट, x1 क्या है, x नॉट ऑफ a1 b1, और x2 क्या है, x नॉट ऑफ a2 b2, और x3 है x नॉट ऑफ a3 एंड b3, सही है।
ये तो इक्वेलिटी की कंडीशन होगी, ये फर्स्ट कंडीशन है यानी जहां पे आप मैग्नीट्यूड कंपेयर कर रहे हैं और अगर सपोज दोनों इक्वल है. नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि ए इज ग्रेटर देन बी. अच्छा ए इज ग्रेटर देन बी से हम अगर स्टार्ट करते हैं तो आपके पास ये दो नंबर है ना, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये मैं इस कंडीशन के लिए प्रूव कर रही हूँ. सपोज आपके पास जो ए है ना दैट इज इक्वल टू 1, 1, 1 and 0 ठीक है, और बी आपका लेट से है 0, 1, 1 and 0. अब आप मुझे बता सकते हैं, कोई आप में से बता सकते हैं इसी को देख के सिंपल के कौन सा जो है वो ग्रेटर है, ए ग्रेटर है कि बी. हाँ जी विच इज ग्रेटर और बी. ए मैम तो हम क्या कह रहे हैं कि ये कौन सी पोजीशन है, ए थ्री की. ठीक है ये ए थ्री है, ये बी ए टू है, ए वन है और ए जीरो है. ठीक है इस तरह से ये बी थ्री है, बी वन है, बी टू और बी जीरो है. अब ए थ्री अगर बी थ्री से ग्रेटर है, इस बिट से स्टार्ट करते हैं हम, अगर ए थ्री बी थ्री से ग्रेटर है तो इसका मतलब है ए को वन होना चाहिए और बी को जीरो होना चाहिए, ऐसे ही है. तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ए थ्री इंटू बी थ्री डैश, क्योंकि हम जो डैश है या कॉम्प्लीमेंट है वो किसके लिए यूज करते हैं, मिन टर्म्स के फॉर्म में, जीरो के लिए. तो हम फर्स्ट के लिए क्या लिखेंगे, ए थ्री इंटू बी थ्री डैश. अब इस केस में आप बताएंगे इन दोनों का एंड किसके इक्वल होगा, वन के इक्वल होगा कि जीरो के इक्वल होगा. ए थ्री वन है ठीक है, बी थ्री का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा. तो आपके पास ये बिट जो है ये वन हो जाएगी. तो अगर ये ए ग्रेटर देन बी है तो इसका मतलब है ये अगर पहले ही वन हो गई है तो ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी. सही है, तो आप वहीं से कह सकते हैं कि जी ए इज ग्रेटर देन बी, क्योंकि आपकी ये फर्स्ट कंडीशन ही जो है वो उसको फुलफिल कर रही है. सही है, तो इसलिए हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर यही ए थ्री बी थ्री से ग्रेटर हो गया यानी ए थ्री वन हो गई बी थ्री जीरो हो गई तो आप उसी से कंक्लूड कर सकते हैं कि ए इज ग्रेटर देन बी. सही, इसलिए हमने लिखा है ए थ्री इंटू बी थ्री डैश. लेकिन सपोज अगर हम कहते हैं कि जी ये आपकी ये भी वन थी लेट से, सही है सपोज ये भी वन है तो इस केस में क्या होगा, ये आपकी हो जाएगी जीरो, बस इनका एंड कॉम्बिनेशन ए थ्री बी थ्री डैश विल बी इक्वल टू जीरो. ठीक है तो फिर अब आप नेक्स्ट को चेक करेंगे, मतलब कि ये इक्वल हो गए लेट से, इनकी इक्वालिटी को क्या किससे शो करेंगे आप, एक्स थ्री से. एक्स थ्री आपको याद है अभी हमने इक्वालिटी के लिए शो किया है, तो ये क्या हो जाएगा सेकंड को जब हम चेक करेंगे, सेकंड को हम करेंगे इसकी कंडीशन के लिए क्या होगा कि ए थ्री बी थ्री इक्वल है दैट इज एक्स थ्री और ए टू इंटू बी टू कॉम्प्लीमेंट. सही है ये हमने सेकंड के लिए, मतलब कि पहली बिट जो है वो इक्वल थी तो इसलिए हमने सेकंड बिट को चेक कर रहे हैं कि अगर इस केस में ये वन हो जाती है, अगर दोनों इक्वल थी तो एक्स थ्री भी वन हो जाएगा और अगर ए टू आपका वन है और बी टू जीरो है तो ये भी वन हो जाएगा. ठीक है तो इसी से आप कह सकते हैं जी ए इज ग्रेटर देन बी. लेकिन अगर ये जीरो हो जाती है आपकी कंडीशन फुलफिल नहीं होती, मतलब कि अगर ये दोनों इक्वल थे ए टू और बी टू, फिर आप दोबारा अगली बिट को चेक करेंगे. तो अगली बिट को चेक करने के लिए आपके पास कंडीशन दी है कि पहली दोनों बिट्स जो थी वो इक्वल थी, मतलब कि एंड ऑफ एक्स थ्री एक्स टू, और साथ में आप नेक्स्ट बिट चेक करें ए वन बी वन कॉम्प्लीमेंट. सही है, अगर ये भी कंडीशन जीरो हो जाती है तो फिर आप लास्ट बिट को चेक करेंगे दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द इक्विवेलेंस ऑफ द प्रीवियस बिट्स एंड एक्स थ्री एक्स टू एक्स वन, और लास्ट बिट जो आपकी है उनका एंड कॉम्बिनेशन ए नॉट इंटू बी नॉट कॉम्प्लीमेंट. यानी अगर ए नॉट इस केस में वन हो जाता है
और बी नॉट आपका जीरो है तब भी ए इज ग्रेटर देन बी हो जाएगा. लेकिन अगर ये भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो ये सारा जो टर्म है आपकी ए इज ग्रेटर देन बी ये जीरो हो जाएगी. इसका मतलब है कि ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, सही है. तो आपका जो मैग्नीट्यूड कंपैरेटर है वो तीसरी कंडीशन को भी चेक करा है, डेट इज ए इज लेस देन बी. तो अगर सपोज ए इज लेस देन बी, कह रहे हम कहते हैं कि जी A let's say 0, 1, 1, 0 है और B जो है 1000 है. तो इसमें कोई बता सकता है कि A is less than B और greater than B? हाँ जी, in this case A is less than B और greater than B. आप देख सकते हैं कि A जो है वो 6 के इक्वल है और B वो 8 के इक्वल है, सही है. तो A is less than B, तो इसमें भी हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट करेंगे. लेकिन डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे ए थ्री प्राइम होगा इंटू बी थ्री होगा, सही है. तो स्टार्टिंग फ्रॉम ए थ्री प्राइम इंटू बी थ्री, अगर ये वन हो जाती है, यहाँ पे देख रहे हैं आप इस केस में ये वन ही हो जाएगी, तो यहाँ पे ये वन हो जाएगा, सही है. नेक्स्ट हम जो है वो दूसरी बिट, अगर ऐसा ये कंडीशन जीरो हो जाती है, मतलब कि ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती, अगर दोनों सपोज इक्वल है, सपोज ये दोनों वन वन थे, तो फिर हम नेक्स्ट बिट को चेक करेंगे. नेक्स्ट केस में इस पे डिपेंड करेगी इक्विवेलेंस ऑफ ए थ्री बी थ्री पे, एक्स थ्री हो जाएगा और साथ में ए टू प्राइम इंटू बी टू, सिमिलरली एक्स थ्री एक्स टू ए वन प्राइम इंटू बी वन, और इसी तरह से लास्ट बिट के लिए हम अगर चेक करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कंडीशन ये कि पहली तीनों इक्वल होनी चाहिए तभी हम लास्ट को चेक कर रहे हैं, एंड दैट इज इक्वल टू ए नॉट एंड ऑफ ए नॉट प्राइम to b not into x1, x2 and x3, ठीक है. ये याद रखें कि x1, x2 और x3 जो है ये equivalence को show कर रहा है पहली bits को, ठीक है. तो अब इस इन्हीं के basis पे, इन्हीं सारी conditions की basis पे हमने circle draw करना है, सही है. अब यहाँ पे ये चीज जो explain की हुई है, if this term is 1, it means a3 is 1 and b3 is 0, as in most significant bit a is greater than b, we conclude a is greater than b. But if this term is zero, it means A3 is B3, we should check next bit. So, ये सारी वही बातें हैं जो मैंने अभी तक आपको बताई हैं कि आपने किस तरह से इनको चेक करना है. इसी तरह से X3, X2, X1 is equal to 1 means A3 is equal to B3, A2 is equal to B2 and A1 is equal to B1, सही है. और A0 into B0 prime के 1 होने का मतलब ये है कि A0 is greater than B0, सही है. तो ये वन बाय वन हमने बेसिकली एक एक बिट को चेक किया और कंपेयर किया, जिससे हमने कंडीशन निकाली है कि ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज लेस देन बी. तो ये इसका ओवरऑल सर्किट है, सही है. ये एक्स वन, ये पहले हमने एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री को ड्रॉ किया जो कि बेसिकली इसके इक्विवेलेंस को शो कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि इनकी आउटपुट्स फर्दर, फर्स्ट जो एंड गेट है That is condition of A is equal to B. ये किस पे, किसके एंड पे डिपेंड कर रहा है, X not, X1, X2 और X3 के एंड पे डिपेंड कर रहा है. इसी तरह से A is greater than B, एक और गेट है जिसकी इनपुट पे आपके पास X, A3 into B3 prime आएगा और प्लस इन सारे एंड गेट्स की आउटपुट्स आएंगी. इनकी इनपुट्स फर्स्ट एंड गेट की क्या होगी, x3 into a2 into b2 prime होगा, सही है. तो ये जो एक्सप्रेशन है, इन्हीं एक्सप्रेशन से हमने ये बेसिकली सर्कल ड्रॉ किया. तो आप एंड और की कॉम्बिनेशन दीजिए. रोल नंबर 14 मैम, वो ट्राई कर रहा है कब से, वो हो ही नहीं रहा, उसके पहले भी नहीं हुआ थी क्लासेस. अच्छा, आप ये बता दें एक दफा मेरी रिकॉर्डिंग हो जाए प्लीज. अब ये सारे जो एडिशन वाले हैं ना, इनको अब मेरा पता, मुझे समझ नहीं आ रही कि लास्ट वीक में लेक्चर्स में इनको क्यों नहीं आता है. तो अब ये रिकॉर्डिंग हो जाए तो उसके बाद मैं कर लेती हूँ. बाय, ठीक है, थैंक यू मैम. नेक्स्ट इज डिकोडर्स, ठीक है. डिकोडर्स अभी आपने लैब में इम्प्लीमेंट किए? हाँ जी, डिकोडर का कोई सर्किट इम्प्लीमेंट किया आपने? No, ma'am. Okay.
अब बेसिकली डिकोडर क्या करता है कि इसमें आपके पास इट इज अ कॉम्बिनेशन सर्किट दैट कन्वर्ट्स बाइनरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन इनपुट लाइंस टू मैक्सिमम ऑफ टू एन यूनिक आउटपुट लाइंस. ठीक है, हर जो आउटपुट है आपकी वो किसी कॉम्बिनेशन को शो कर रही होती है, मतलब कि आपने जो इनपुट कॉम्बिनेशन दिया है उसी के कॉरेस्पॉन्डिंगली एक आउटपुट जो है वो आपकी ऑन होगी या ऑफ. ठीक है, डिपेंड करता है कि आप उसे ऑन रखना चाह रहे हैं ऑफ रखना चाह रहे हैं, तो आप जो भी कॉम्बिनेशन देंगे उसके हिसाब से आपकी एक ही आउटपुट है वो ऑन होगी. तो इट मीन्स कि इस डिकोडर के केस में आपके पास एन इनपुट्स होंगी और उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली आपकी टू रेस्ट टू पावर एन जो है वो आउटपुट्स होंगी. जिससे आप कहते हैं ना कि एन आपके पास बिट्स हैं तो उससे आपके टू रेस्ट टू पावर एन कॉम्बिनेशन बनते हैं. इसी तरह से आपके डिकोडर में जो एन इनपुट्स हैं उनके लिए टू रेस्ट टू पावर एन आउटपुट्स होंगे. सही है. तो इसकी एप्लीकेशंस हैं वेयर द पर्टिकुलर आउटपुट और ग्रुप ऑफ आउटपुट टू बी एक्टिवेटेड ओनली ऑन द occurrence of a specific combination of, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि एक आउटपुट है एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन पे ही ऑन हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसी तरह से इसकी एप्लीकेशन है एड्रेस डिकोडर्स. अ डिकोडर इज वाइडली यूज्ड टू डिकोड द पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन इन द कंप्यूटर मेमोरी सिस्टम. यानी मेमोरी में अगर एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को आपने ऑन करना है या उसको जो है ना एक्टिवेट करना है, तो वो एड्रेस कोड के हिसाब से उसी को सिर्फ जाके वो ऑन करेगा. सही है. इसी तरह से इंस्ट्रक्शंस अगर आपने प्रोवाइड करनी है अपने एएलयू को सीपीयू को, तो वो आप एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन सॉरी कॉम्बिनेशन देंगे जिस इंस्ट्रक्शन जो है वो ऑन होगी और फर्दर इंस्ट्रक्शन आपके एएलयू या सीपीयू को जाएगी. सही है. तो ये इसकी एप्लीकेशन है. अब ये सर्किट है इसका, इससे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ, ये ट्रूथ टेबल है कि आपके पास अगर सपोज थ्री इनपुट्स हैं तो आपको मैंने अभी बताया कि थ्री बिट इनपुट है तो आपके टू रेस्ट टू पावर थ्री आउटपुट्स होंगे. टू रेस्ट टू पावर थ्री आउटपुट्स का क्या मतलब है, एट आउटपुट्स होंगे. सही है. डी नॉट टू डी सेवन. अब अगर आपके पास इनपुट जीरो 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 है तो आपके पास डी नॉट वन हो जाएगा, जीरो जीरो वन है तो डी वन वन हो जाएगा, जीरो वन जीरो है तो सिर्फ डी टू वन होगा ऑन होगा, 011 है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली डी थ्री वन होगा, 100 पे डी फोर वन होगा, 101 पे डी फाइव वन होगा, 110 पे डी सिक्स एंड सो ऑन अप टू डी सेवन. सही है. तो एक कॉम्बिनेशन पे सिर्फ आपकी एक आउटपुट जो है वो उस टाइम पे ऑन हो. तो इसका सर्किट इस तरह से बनेगा कि आपके पास टोटल एट जितनी आउटपुट्स हैं उतने ही एंड गेट्स होंगे और हर एंड गेट की इनपुट पे वही कॉम्बिनेशन होगा. फर्स्ट जो आपका D नॉट है उसकी इनपुट पे क्या है, 0000 है, मतलब x प्राइम y प्राइम z प्राइम. एंड नेक्स्ट की इनपुट पे है x प्राइम y प्राइम z एंड अप टू D7 की इनपुट पे होगा क्योंकि 111 होता है, दैट विल बी इक्वल टू x y इनटू z. ठीक है. इसी तरह से अगर आपने सपोज 2-4 डिकोडर बनाना है, ये क्या है 3-8 लाइन डिकोडर इसे कहते हैं क्योंकि 3 इनपुट्स हैं और 8 आउटपुट्स हैं, इसको हम कहते हैं 3-8 लाइन डिकोडर. ये इसी तरह से अगर आपने 2-4 लाइन डिकोडर डिजाइन करना है तो उसकी 2 इनपुट्स होंगी और आपके पास 4 उसकी आउटपुट्स होंगी टोटल. इसी तरह से आप मुझे बताएंगे कि अगर आपके पास 4 इनपुट्स हैं डिकोडर में तो उसकी कितनी आउटपुट्स होंगी. हाँ जी, कोई बता सकता है, इफ देयर आर 4 इनपुट्स इन द डिकोडर हाउ मेनी आउटपुट्स विल बी देयर. 16 मैम. हाँ जी 16 होंगी. सही है. तो एक एग्जांपल है, सपोज आपने डिजाइन करना है बीसीडी टू डेसिमल डिकोडर. ठीक है. अब बीसीडी में आपकी 4 इनपुट्स होती हैं. सही है. और डिकोडर आप कौन सा यूज करेंगे, 4-16 लाइन, क्योंकि अगर 4 इनपुट्स हैं तो आपकी जो है कितनी आउटपुट्स होनी चाहिए, 16. लेकिन आपको पता है कि जो हम यूज्ड इसमें इनपुट्स हैं डेट इज फ्रॉम 0-9 ओनली. ठीक है. तो हम उसके अंदर सिर्फ आपकी डी नॉट से डी नाइन तक यूज करेंगे और बाकी आपकी कौन सी होंगी, डोंट केयर कंडीशन, क्योंकि आपने बीसीडी टू डेसिमल डिकोडर बनाना. तो बीसीडी टू डेसिमल डिकोडर बेसिकली ये बता रहा है कि अगर आपकी इनपुट पे सारी जीरोज आ रही हैं तो सिर्फ डी नॉट वन होगा, मतलब कि आपने जो है ना आउटपुट आपकी जीरो आ रही है. इसका मतलब ये है कि आउटपुट पे आप ने जो डेसिमल दिया है वो सॉरी डेसिमल जो आप जिसे डिकोड कर रहे हैं तो डेसिमल आउटपुट क्या है आपकी, जीरो है, फिर डी नॉट आपका वन हो जाएगा. इसी तरह से अगर 0001 है तो डी वन वन होना चाहिए, 0010 है तो डी टू वन होना चाहिए, अप टू नाइन हमारे पास अगर
1001 है तो क्या कौन सी डेसिमल आउटपुट ऑन होगी? D9, सही है। तो ये इसका ट्रुथ टेबल है, सॉरी मैप है, कि हमने क्या किया। आप ये लॉजिकली ये होना चाहिए कि आप मैप्स ड्रॉ करेंगे यहाँ पे फ्रॉम D0 टू D9 10 मैप्स ड्रॉ करेंगे, लेकिन हमने उसकी जगह एक ही मैप ड्रॉ कर लिया। उसी मैप से हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, D0 से लेकर D9 तक आपने जो है इनपुट्स यहाँ पे दे दी, और उसके अलावा बाकी जो डोंट केयर कंडीशंस है वो भी अप्लाई कर दी, सही है। तो अब इसमें हम देख सकते हैं कि ग्रुपिंग किस तरह से हो सकती है। D0 और D1 की तो किसी के साथ ग्रुपिंग नहीं हो सकती, X के साथ ही हो सकती है ना, ये D3 D2 के साथ नहीं हो सकती, ये याद रखिए, क्योंकि ये सारी सेपरेट आउटपुट्स हैं, सही है। तो इनकी आपस में ग्रुपिंग नहीं हो सकती, X के साथ ही सिर्फ हो सकती है। तो D0 D1 की X के साथ नहीं हो सकती, D3 की हो सकती है इस X के साथ, ठीक है। तो अगर इस X के साथ इसकी ग्रुपिंग करेंगे तो आपके पास D3 क्या आ जाएगा, D3 विल बी इक्वल टू X प्राइम Y इंटू D इंटू Z, ठीक है। D3 विल बी इक्वल टू X प्राइम Y इंटू Z, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह से D2 की जो ग्रुपिंग है वो हो सकती है इस X के साथ, सही है। ये मैं आपको शो कर देती हूँ, D3 की ग्रुपिंग हो जाएगी इस X के साथ, तो आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा D2 विल बी इक्वल टू X प्राइम इंटू Y Z प्राइम, सही है। D2 इज इक्वल टू X प्राइम Y Z प्राइम। इसी तरह से आप सारी ग्रुपिंग करेंगे, आप देख सकते हैं कि जो D9 है इसका सबसे बड़ा ग्रुप बन सकता है, D9 का ये ग्रुप बन जाएगा। तो आप D9 को डिफाइन कर लेंगे इस तरह से, और सिमिलरली आपका जो D6 है उसका ग्रुप बनेगा इस तरह से। तो इसी तरह से वन बाय वन आपने सारे ग्रुप्स बनाने हैं, और आपने एक्सप्रेशन डिराइव करना है। तो ये हमने एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, D0 अप टू D9, D9 इज इक्वल टू WZ, D8 इज इक्वल टू W इंटू Z प्राइम, सही है। D8 का ये वाला ग्रुप बनेगा like this, सही है। तो इस तरह से एक्सप्रेशन ड्राइव करने के बाद आप इसका सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। उसी तरह से इसमें भी एंड गेट्स यूज होंगे, 9 एंड गेट्स यूज होंगे, लेकिन हर गेट की जो है वो इनपुट वो डिफरेंट है जो कि हमने मैपिंग से डिराइव किया। तो दिस इज लॉजिक डायग्राम ऑफ BCD टू डेसिमल डिकोडर। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंट अ फुल एडर सर्किट विद अ डिकोडर एंड टू ऑर गेट्स। अच्छा, अब डिकोडर का एक ये भी फायदा है कि आप किसी भी जो है कॉम्बिनेशनल सर्किट को एक डिकोडर से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली आप देख सकते हैं कि जो डिकोडर है एक, उसकी आउटपुट बेसिकली आपकी सारी जो मिन टर्म्स है उनको कवर कर रही है, ऐसे ही है ना। मतलब कि ये D0 मिन टर्म M0 को कवर कर रही है, D1 जो है मिन टर्म M1 को कवर कर रही है, D2 M2 को, सो ऑन। तो अगर आपके पास आउटपुट पे सारी मिन टर्म्स अवेलेबल है तो इसका मतलब ये है कि आप किसी भी कॉम्बिनेशनल सर्किट को इस डिकोडर से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सपोज हमने एक फुल एडर को इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग 3-8 लाइन डिकोडर। ये एक ब्लॉक डायग्राम है जिसमें डिकोडर की 3 इनपुट्स होंगी और 8 आउटपुट्स होंगी, सही है। हर आउटपुट एक मिन टर्म को बेसिकली शो कर रही होती है, हम देख चुके हैं। तो अब एक जो फुल एडर है उसका सर्किट ये, सॉरी ट्रुथ टेबल ये होता है जिसमें सी आपकी 1 होगी एट मिन टर्म 3, 5, 6 एंड 7, ठीक है। और एस जो सम आउटपुट है आपकी, दैट इज सम ऑफ मिन टर्म्स 1, 2, 4 एंड 7। हमने क्या किया है कि दो और गेट्स यूज किए हैं सम के लिए और कैरी के लिए। हर आउटपुट के लिए आप सेपरेट और गेट यूज करेंगे। तो सम की इनपुट पे कौन कौन सी डिकोडर की आउटपुट्स आ रही हैं, मिन टर्म 1, 2, 4 एंड 7, 1, 2, 4 एंड 7। इसी तरह से कैरी की इनपुट में कौन कौन सी हैं, 3, 5, 6 और 7। तो ये हमने यूजिंग डिकोडर जो है ना आपका एक फुल एडर डिजाइन किया। मतलब कि अगर आपके पास कोई भी सपोज सबट्रैक्टर का सर्किट है, सबट्रैक्टर को भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कोई भी लॉजिक कोई भी फंक्शन आपको गिवन हो तो आप उसे डिकोडर से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का, उसके बाद हम इनकोडर पढ़ेंगे। एनी क्वेश्चंस? नो मैम।
अच्छा नेक्स्ट जो है वो इनकोडर है. इनकोडर के आपको नाम से पता चल रहा होगा कि इसका जो इसकी फंक्शनैलिटी है दैट इज ऑपोजिट ऑफ डिकोडर. ठीक है, तो इसमें जो है 2^n इनपुट्स होंगी और आपके पास n आउटपुट्स होंगी. मतलब कि एक जो 2^n इनपुट्स हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली एक ही स्पेसिफिक कोड होगा या कॉम्बिनेशन होगा जो कि आप आउटपुट से शो कर रहे होंगे. ठीक है, लाइक दिस. मतलब अगर आपके पास इनकोडर क्या कर रहा है कि अगर आपके पास D नॉट वन है, आप इनपुट पे ये कॉम्बिनेशन दे रहे हैं 1000000, तो आपके पास आउटपुट पे 3 0 आएंगे. सही है, तो इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि आउटपुट बिट Z इज 1 इफ ऑक्टल डिजिट इज ऑड. ठीक है, ऑक्टल कौन सा है? D7. ठीक है, तो आपके पास जो है ना इसी तरह से आउटपुट y इज 1 फॉर ऑक्टल डिजिट्स 2, 3, 6 और 7, यानी इनमें से कोई भी 1 होगा तो आपके पास आउटपुट जो है y वो 1 हो जाएगी. इसी तरह से x जो है 1. ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बात है, लेकिन आप इसको इस तरह से मतलब कि आप ट्रुथ टेबल को किसी तरह से भी जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं. उसमें एक्सप्लेनेशन ये है, लेकिन आप ये जहन में रखिए कि इनकोडर जो है वो बेसिकली क्या कर रहा है कि आपके पास अगर कोई भी बिट इनमें से एक स्पेसिफिकली ऑन होगी तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली एक आपके पास आउटपुट पे कोड आएगा. ठीक है, तो एग्जांपल है ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर विद व्हिच हैज 8 इनपुट्स एंड 3 आउटपुट्स, जो कि इसका ट्रुथ टेबल बना हुआ है. अच्छा, अब आपके पास है कि इसको इसके लिए आपने इसी टेबल के लिए आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है. तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू बेसिकली x कहाँ पे 1 है ये देखना है आपने. x इज 1 एट d4 प्लस d5 प्लस d6 एंड d7. ठीक है, इसलिए हमने लिखा हुआ है d4 प्लस d5 प्लस d6 एंड d7. इसी तरह से y आपका कहाँ पे 1 है ये देख लें. y इज 1 एट d2 प्लस d3 प्लस d6 एंड d7. तो ये इन सब का और हो जाएगा और z जो है वो इन सारी बिट्स का और है. तो हमने बेसिकली 3 और गेट्स यूज करने हैं जिनकी इनपुट पर d0 क्योंकि कहीं पे भी यूज नहीं हो रही इसलिए इसे एज ए अनयूज बिट हमने शो किया हुआ. तो z, y और x जो है बेसिकली और गेट की आउटपुट्स होंगी जिनकी इनपुट्स पे ये सारी बिट्स होंगी. तो ये जो है वो डायग्राम है इनकोडर की. उसके बाद है हमारे पास मल्टीप्लेक्सर. अब मल्टीप्लेक्सर बेसिकली इनकोडर का हमने देखा है कि 2x इनपुट्स हैं तो 2x आउटपुट्स होंगी. मल्टीप्लेक्सर ये करता है कि आपकी उस मल्टीप्लेक्सर के केस में आपके पास 2^ मतलब कि अगर आप एक इनकोडर को जहन में रखें, इनकोडर में क्या है 2^n इनपुट्स है और n आउटपुट्स लाइन है ना. ठीक है, मल्टीप्लेक्सर में ये है कि 2^n इनपुट्स तो हैं लेकिन इसमें सिर्फ एक आउटपुट होगी. मतलब कि आप इन 2^n इनपुट्स को 1 by 1 इसी आउटपुट लाइन पे सेंड करेंगे. इसका फायदा ये होता है कि अगर सपोज आपके पास एक बहुत सारी यानी चैनल ऑफ इनपुट्स हैं और आपने एक ही लाइन पे सेंड करना, मल्टीप्लेक्सर जो है ना वो बहुत ज्यादा यूज होते हैं कम्युनिकेशन में क्योंकि आपके पास एक ही लाइन होती है और आपने 1 by 1 जो है ना डिफरेंट चैनल्स को उस पर सेंड करना होता है. तो वो आप बेसिकली मल्टीप्लेक्सर से ही कर सकते हैं. अब इसमें सिलेक्शन इनपुट्स क्यों होती हैं, सिलेक्शन लाइंस क्या कर रही हैं, सिलेक्शन लाइंस की बेस पे आप 1 by 1 इन्हीं इनपुट्स को आउटपुट पे सेंड करेंगे. कि अगर सपोज आपके पास 2^n आउटपुट लाइन सॉरी 1 आउटपुट लाइन है तो आप इन n सिलेक्शन लाइन से 1 by 1 इन इनपुट्स को सिलेक्ट करेंगे और उन्हीं को आउटपुट पे सेंड करेंगे. ठीक है, सपोज हमारे पास है 4 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर. सही है, अब 4 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर है इसके लिए कितनी सिलेक्शन इनपुट्स होनी चाहिए, 2, क्योंकि 2 इनपुट्स के 4 कॉम्बिनेशन होंगे और उन 4 कॉम्बिनेशन से आप 4 इनपुट्स को 1 by 1 आउटपुट पे सेंड कर सकते हैं. तो अब बेसिकली क्या है आपके पास ये सिलेक्शन इनपुट्स हैं, 0 0 होगी तो आपकी आई नॉट जो है वो आउटपुट पे होगी, यानी वाई विल बी इक्वल टू आई नॉट वेन इनपुट सिलेक्शन इनपुट्स आर 0 0. अगर 0 1 है तो I1 जाएगा आउटपुट पे, अगर 1 0 तो I2 होगा और अगर 1 1 है तो I3 आउटपुट पे जाएगा. सही है, तो ये आपके पास बेसिकली अगर यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन है तो 4 ही एंड गेट्स यूज होंगे. ये आप
जो है डिकोडर का सर्किट ज़हन में रखें। अब फर्क ये है कि आपके पास हर एंड गेट की जो इनपुट है उस पे सिलेक्शन इनपुट्स हैं, सही है, और साथ में आप आई नॉट भी अप्लाई करें क्योंकि ये आई नॉट आपने आउटपुट देनी है। अगर आपको याद हो तो एंड गेट्स की जो इन टेबल है ट्रुथ टेबल, वो जरा आप देखेंगे, 00 पे भी 0 होगी, 01 पे भी 0 होगी और 10 पे भी 1 होगी। मतलब कि अगर आप एक इनपुट को 1 रखते हैं, ठीक है, तो दूसरी इनपुट जो है वो आउटपुट पे चली जाती है एंड के केस। एंड की एंड लॉजिक ये भी प्रॉपर्टी है कि अगर आप एक इनपुट को 1 रखते हैं, सपोज दो इनपुट्स हैं आपके पास और एक इनपुट अगर 1 है तो दूसरी इनपुट अगर 0 होगी तो आउटपुट 0 होगी, अगर दूसरी इनपुट 1 है तो आउटपुट 1, यानी कि दूसरी जो इनपुट लाइन है आप उसे आउटपुट पे सेंड कर रहे होते हैं बेसिकली एंड केस में। तो इसलिए हमने एंड यहाँ पे यूज किया है क्योंकि अगर आप किसी भी कॉम्बिनेशन को अगर सपोज 0-0 हो गया तो इसका मतलब है एंड की दोनों इनपुट जो है वो 1-1 होगी और अब आपकी जो थर्ड इनपुट है आई नॉट दैट विल बी सेंड ऑन द आउटपुट, ठीक है। तो वाई इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फोर के एंड गेट्स, यानी ये वाई अगर इसको इंटरप्रेट किया जाए तो ये क्या होगा, एस नॉट प्राइम एस वन प्राइम इंटू आई नॉट प्लस एस नॉट इंटू एस वन प्राइम इंटू आई वन प्लस एस नॉट प्राइम एस वन इंटू आई टू एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप इसकी ब्लॉक डायग्राम इस तरह शो कर सकते हैं कि 4:1 मार्क्स है तो 1 आउटपुट होगी, 2 सिलेक्शन इनपुट्स होंगी और इसकी 4 इनपुट्स होंगी। अच्छा मुझे ये बताएं अगर 8:1 मल्टीप्लेक्सर है तो उसकी कितनी सिलेक्शन इनपुट्स होनी चाहिए? हाँ जी कुरतुलैन आप बताएं। यस मैम क्या कहा है आपने? 8:1 लाइन मल्टीप्लेक्सर है तो उसकी कितनी सिलेक्शन इनपुट्स होंगे? मैम पता नहीं। फोर मैम शायद। देखें आपने ना जितने कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं ना उसकी, यानी कि 8 अगर इनपुट्स हैं तो उन्हीं 8 इनपुट्स को आपने 1 by 1 आउटपुट पे सेंड करना है ना। तो 1 by 1 आप किस तरह से सेंड कर सकते हैं, इतनी बिट्स आपको चाहिए कि उनके 8 कॉम्बिनेशंस बन जाए, ऐसे ही है ना। तो वो 3 बिट्स अगर आप लेंगे तो उन्हीं के 8 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं ना। तो 8:1 लाइन मल्टीप्लेक्सर में कितनी सिलेक्शन इनपुट्स होंगी? 3। यस मैम। ठीक है, अगर 16:1 लाइन मल्टीप्लेक्सर है तो उसमें कितनी सिलेक्शन इनपुट्स होंगी? 4 होंगी मैम तब। हाँ जी ठीक है। अब नेक्स्ट है कि आप किसी भी फंक्शन को लेट्स से आपके पास सम ऑफ सपोज एक फंक्शन है दैट डिपेंड्स अपॉन द वेरिएबल्स ए बी सी एंड सम ऑफ इन टर्म्स 1, 3, 5, 6, तो आप इसको किस तरह से मल्टीप्लेक्सर से किसी से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम ये करते हैं कि इसको जो है सिंगल लेक्चर में करेंगे। उसके साथ साथ आपने ये भी करना है कि आपने जो है अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो भी आपने सिंगल लेक्चर में देनी होगी, तो हम इसे उसमें कवर कर लेंगे, सही है। तो अभी तक मैं इसकी जो है रिकॉर्डिंग उसको स्टॉप कर रही हूँ।